हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज ग्रेविटेशन। आज का वीडियो पार्ट नंबर 5 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने आप लोग को चैप्टर 10 के अंदर जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग आज के वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 में का जितना भी टॉपिक था वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन वो सारा दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 8 और 9 से रिलेटेड और सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट सर्फेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक ये हो गया हम लोग का अर्थ, ठीक है, ये हम लोग का अर्थ हो गया और अर्थ के सर्फेस के ऊपर, ठीक है, अर्थ के सर्फेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है, जिसका मास क्या है स्मॉल एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस दैट इज आर, ये आपको दिया हुआ है दैट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ये आपको रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अर्थ जो है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स, ठीक है। और क्या बोला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज फोर्स फाइंड करना है बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, जिसका मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया आप लोग को 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉल m इक्वल टू कितना दिया है 1 kg, ठीक है। और एक चीज दिया है दैट इज मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, मास ऑफ अर्थ को हम लोग कैपिटल m से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मास ऑफ अर्थ कितना दिया, देखिए यहाँ पे 6 × 10⁻²⁴ kg, तो 6 × 10⁻²⁴ kg आपका मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग r से डिनोट करते हैं और ये कितना दिया दैट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 / r2, तो वो ही यूज करेंगे। तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज F इक्वल टू क्या था, कैपिटल G m m by r का स्क्वायर, ठीक है। अब F इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का वैल्यू आप लोग को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है वो होता है जी इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल जी का वैल्यू ये पुट करता हूँ, 6.67 × 10⁻¹⁰ फिर इंटू, अब एम का वैल्यू, कैपिटल एम का वैल्यू कितना है, ये होगा दैट इज 6 × 10⁻², इंटू, अब स्मॉल एम का वैल्यू कितना है, तो स्मॉल एम का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 होल डिवाइडेड बाई कितना दिया दैट इज, यहाँ पे आर स्क्वायर बोला तो आर का वैल्यू कितना है, ये होगा 6.4 × 10⁻⁶, तो 6.4 × 10⁻⁶। अब इसको हम लोग दो बार लिखेंगे, ये जो रेडियस है आर, इसको हम लोग दो बार लिखेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर बोल रहे, ठीक है, तो इंटू 6.4 × 10⁻⁶, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसका मैं
ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो यहाँ पे इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा देखिए, इक्वल टू। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको एक साथ करना है, तो इसको इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6.67 इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूँ। ये वन का कोई वैल्यू नहीं, वन के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। अब 10^-11 10^24 अब यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है तो बेस को हम लोग एक बार लिखेंगे, ठीक है, और पावर को क्या कर देंगे प्लस, तो -7 + क्या होगा 24, -7 + 24। अब इसके बाद इसका भी सेम करेंगे तो 6.4 × 6.4 इसको एक जगह लिख लिए। अब 10^6 इन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो 10^6 क्या होगा बेस कॉमन और पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा f=। अब इन दोनों को इंटू कर लेते हैं तो 6.67 इंटू कितना करना है 6, तो 6 × 42 = 4 एंड 6 × 36 = 40 तो कितना डिजिट बार पॉइंट है 2 डिजिट यहाँ पे, दैट इज 40.02 ये आएगा। ठीक है, इंटू अब ये वाला कितना आएगा, इन दोनों में से बड़ा 24 है, 24 में से 11 काट देते हैं तो कितना बचेगा दैट इज 30, तो 10^ कितना होगा 30। ठीक है, नेक्स्ट अब इन दोनों को इंटू करते हैं तो 6.4 × 6.4 तो 4 × 6 = 6 1 & 25 4 2 & 36 तो ये कितना आ जाएगा देखिए 6 9 0 4 तो कितना आ गया इधर से एक इधर से एक, टोटल 2 डिजिट पर, तो पीछे से ये आ जाएगा दैट इज 40.96 इंटू 10^ कितना होगा दैट इज 6 + 6 = 12। ठीक है, अब f = यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट से हटाते हैं तो क्या होगा 4002/100। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे कितना है 10^13। ठीक है, अब मैंने क्या किया ये जो 10^12 था डिनोमेटर में मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो 10^12 जो है इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो याद रखिएगा पावर क्या हो जाता है प्लस होने से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा माइनस, तो 10^12 क्या जाएगा माइनस 2। जब भी पावर को आप लोग न्यूमेरेटर या डिनोमेटर से शिफ्ट करते हो तो पावर क्या हो जाता है उसका जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऊपर डालने से और नीचे क्या है इसको भी पॉइंट से हटाते हैं तो 4096 क्या होगा 100। ठीक है, अब ये 100 से 100 कैंसिल तो f = क्या बचा 4002/4096 इंटू 10^ ये देखिए कितना होगा, इसको अगर देखा जाए तो 13 − 12 कितना होता है 1। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पार्ट, इसके बाद आपको f = क्या लिखेंगे दैट इज 4002/ नीचे कितना है 4096 इंटू अब ये 10^1 क्या होगा 10 होगा, अब इसको ये 10 जो है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो f = कितना आ जाएगा 4002/4096 इंटू अब यहाँ पे 10 से साथ मल्टीप्लाई से 0 आ जाएगा। ठीक है, 4002 × 10 करने से ये आ जाएगा 4096 10। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में न्यूटन लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा दैट इज पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है वो बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे ये लिखना है और इसके नीचे ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 144 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एक्सरसाइज का। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो सपोज ये टावर हो गया। ठीक है, अब ये टावर से एक स्टोन को फेंका गया मतलब जस्ट रिलीज किया गया,
और ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ग्राउंड, ठीक है। अब यहां से ये टावर से ये क्या है आपका टावर, अब इन टावर से यहां से स्टोन फेंका गया, तो स्टोन फेंका गया फेंकने के बाद ऑफ हाइट 19.6 मीटर, ये जो हाइट है टावर का ये आपको दिया हुआ है ग्राम करता, कितना दिया है हाइट इक्वल टू 19.6 मीटर, ठीक है, ये जो टावर का हाइट है 19.6 मीटर दिया, ठीक है। तो एक स्टोन एक टावर से फेंका गया है जो कि हाइट कितना है 19.6 मीटर, ठीक है 19.6 मीटर। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो हम लोग याद रखिएगा ऊपर से नीचे फेंकते समय हम लोग को कोई भी स्पीड प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, या कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंके तो याद रखिएगा इसके इसके ऊपर वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर फेंके तो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो याद रखिएगा वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। तो उसमें जो वेलोसिटी लगता है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाता है जीरो, ठीक है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकने से क्या होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो, क्यों, बिकॉज उस टाइम आप लोग कोई वेलोसिटी नहीं देते, ठीक है। दूसरा बात, ये हाइट कितना दिया है 19.6। अब ये जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक आएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, ठीक है ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या दिया है हाइट ऑफ टावर दिया है, तो हाइट ऑफ टावर दैट इज एच इक्वल टू क्या दिया है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। दूसरा हम लोग को क्या दिया है, हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकने से इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू क्या होगा जीरो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोग को क्या करना है निकालना है दैट इज बी, ठीक है। दूसरा बात हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, और एक बात है, जब भी कोई नीचे से ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोग होंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकते हो तो आप लोग को यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंकने से प्लस होगा ये और नीचे से ऊपर फेंकने से क्या हुआ माइनस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ हम लोग जानते हैं जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as, है ना। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2, अब ए की जगह पे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी स्मॉल जी ए किसके बराबर होता है ए के बराबर, तो इन प्लेस ऑफ ए इन केस ऑफ ग्रेविटेशन जो ए होता है वो क्या बन जाता है जी, ठीक है। याद रखिएगा काइनेमेटिक इक्वेशन हमारा ये होता है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रेविटी हम लोग ए को क्या लिखते हैं जी, ठीक है, और एच जो होता है क्या लिखते हैं एच, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू कितना दिया देखिए जीरो, तो एक बार जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2 कुछ नहीं मतलब इंटू जी का वैल्यू कितना 9.8 इंटू एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू आपको दिया 19.6, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, अब ये तो जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा तो ये खत्म, फिर क्या बचा इन तीनों को मल्टीप्लाई करते, जब इन तीनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9.8 इंटू क्या होगा 2, तो इट बिकम
8 × 16 = 6, 9 × 18 = 19। अब 8 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 8 जा, ठीक है, तो कितना आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 19.6, फिर कितना दिया × 19.6। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर को मैं इस साइड भेजता हूँ, तो अगर मैं स्क्वायर को इस साइड भेजता हूँ तो क्या बन जाता है, ये रूट, ठीक है, तो 19.6 × क्या होगा 19.6। अब क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं आप लोग प्रोसेस, जब भी रूट से हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो पेयर वाला होता है, अब दो टू में से क्या लिखते हैं, एक टू बाहर होता है ना, आप लोग मैथ्स में सीख चुके हैं, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज वी इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों में से एक बार लिखना है, क्योंकि पेयर है ना, तो जो भी पेयर होता है उसको एक बार लिखा जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आ गया फाइनल वेलोसिटी। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ग्राउंड में, ठीक है, तो कितना फाइनल वेलोसिटी से गिरेगा, दैट इज वी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 5 में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना मैं बता देता हूँ, इस ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 को पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो बचा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज का, वो सब कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।